सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली है आपके एंड्रॉइड से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइज बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। गाइज, आप सभी के मोबाइल में गूगल क्रोम तो पहले से ही इंस्टॉल होता है और आपको पता है जब आप कुछ भी ब्राउज करने के लिए जाते हैं तो मोस्टली गूगल क्रोम का यूज कर दिया जाता है। और गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप गूगल क्रोम पर कुछ भी सर्च करने के लिए जाते हैं, अगर आपको स्लो लोडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, किसी भी साइट्स को ओपन करने में कुछ टाइम्स लगता है, तो गाइज आप इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। देखिए गाइज, मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर देता हूँ तो गाइज एकदम से मेरा जो क्रोम है वो साइट्स को सर्च करने लग जाता है, उसको बहुत ही जल्दी मेरे को दिखा देता है। अगर गाइज आपको यहाँ पर कुछ भी सर्च करने में कुछ ज़्यादा समय लग रहा है तो गाइज आप इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपको हमारी वीडियो को कम्प्लीट देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद गाइज आपको और कोई वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका सोल्यूशन इसी वीडियो के अंदर हो जाएगा। तो गाइज ज़्यादा समय लगे बताते हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए गाइज, सबसे पहले आपको बिल्कुल ही बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, देखिए एक बार तो आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है, यहाँ इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोम। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप गूगल क्रोम सर्च करते हैं तो गाइज आपको अगर यहाँ पर अपडेट मिलती है तो गाइज आपको अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना है, क्योंकि गाइज अगर काफ़ी समय हो जाता है अगर आप अपने क्रोम को अपडेट नहीं करते हैं तो ये स्लो हो जाता है। तो गाइज आपको इसको यहाँ से अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लेने के बाद गाइज अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती ठीक है, नहीं तो गाइज आपको अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर चले जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद गाइज आपको ऐप्स पर क्लिक करना है, फिर मैनेज ऐप्स पर टैप करना है, यहाँ पर सर्च बार आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है क्रोम। तो गाइज क्रोम आपके सामने आ जाता है, आपको नीचे की तरफ तीन बटन होंगे, फोर स्टॉप, अनइंस्टॉल अपडेट्स, क्लियर डाटा। आपको क्लियर डाटा पर टैप करना है और यहाँ से कर देना है क्लियर कैच। ध्यान रखिए गाइज, आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर ओल्ड डाटा नहीं करना है। उसके बाद गाइज आपको परमिशंस पर टैप करना है और यहाँ से जितने भी परमिशन है इन सभी को आपको अलाउ रखना है। ये कर देने के बाद गाइज आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ से गाइज 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो गाइज वो आपकी इंटरनेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम या स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो गाइज आपको उसको भी क्या करना है, नोटिफिकेशन बार को एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, एरोप्लेन मोड को एक बार क्लिक कर देना, जिससे गाइज ये इनेबल हो जाएगा। उसके कुछ सेकंड्स के बाद गाइज आपको इसको यहाँ से एक बार डिसेबल कर देना है, जिससे गाइज जो भी आपकी नेट वगैरह में स्पीड वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती हैं। तो गाइज इस प्रकार आप इस स्लो लोडिंग से प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मेरे को जस्ट आपको इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।